जब भी दुनिया में प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा तथा परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के देवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, और वो 2 चीजें यानी बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिसे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहां जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया।